तो आज हम देखेंगे एक न्यू चैप्टर द इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, जिसमें हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सक्सेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज सक्सेशन? तो सक्सेशन इज अ स्पैटियल पैटर्न स्पैटियल पैटर्न विच ऑकर्स ओवर द टाइम। मतलब टाइम के अनुसार जो एक स्थानिक पैटर्न बनता है उसे सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है ना, जो टाइम है ना, दिस इज द क्रूशियल फैक्टर। टाइम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सक्सेशन के लिए। समझ में आ गया? देन द इकोसिस्टम। तो आपको सक्सेशन का मीनिंग समझ में आ ही गया होगा। द इकोसिस्टम इज ऑक्युपाइड बाय द पायोनियर स्पीसीज। मतलब जो इकोसिस्टम होती है, इकोसिस्टम मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पायोनियर स्पीसीज की, मतलब पहली स्पीसीज, फर्स्ट। ठीक है ना, मतलब जिसने शुरुआत की है उसे पायोनियर बोलते हैं। तो ये जो पायोनियर स्पीसीज होती है ये इकोसिस्टम में, फॉर एग्जांपल जैसे कि बेयर लैंड। बेयर लैंड मतलब क्या? जहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो लाइफ फॉर्म्स। तो ऐसे बेयर लैंड पे पायोनियर स्पीसीज का आगमन होता है। जैसे जैसे टाइम पास होता है ना, एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास होता है ना, स्पीसीज की डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब उस स्पीसीज में विविधता आने लग जाती है जैसे जैसे टाइम पास होता है। विच गिव्स मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। इस डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल ऑर्गेनिज्म्स तैयार होने लग जाते हैं। ठीक है, एंड दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इवेंचुअली लीड्स टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो दीज ऑर्गेनिजम्स लीड्स टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कैसे कैसे होगा ये? जैसे मैंने बोला कि पायोनियर स्पीसीज, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे ग्रासेस। ठीक है, ग्रासेस जैसे जैसे टाइम पास होता है इसमें डाइवर्सिटी आती है। तो ग्रासेस से बनते हैं हर्ब्स, हर्ब्स आर रिप्लेस बाय श्रब्स। ठीक है, देन श्रब्स की जगह तैयार होने लग जाएंगे ट्रीज। मतलब क्या कि ट्रीज यानी एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एक जटिल कम्युनिटी है ट्रीज की। और जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है तो ये जो ट्रीज होते हैं ना, दीज डज नॉट इवॉल्व फर्दर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी डज नॉट इवॉल्व फर्दर। मतलब कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आगे कोई भी इवोल्यूशन नहीं होता है,
कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो इस तरह से क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है फ्रॉम द पायोनियर स्पीसीज। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना कि किस तरह से सक्सेशन होता है ना, ये सक्सेशन। अब हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या। तो ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया, मतलब एरिया के अनुसार स्पीसीज के कंपोजिशन में जो भी धीरे धीरे और जो प्रेडिक्टेबल चेंज होते हैं उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब स्पीसीज में होने वाले चेंजेस वो भी कैसे धीरे धीरे और प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, तो इसे बोलेंगे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो आपके ध्यान में आ गया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। तो एरिया के अनुसार स्पीसीज कंपोजिशन में जो चेंज आता है एंड ये चेंज ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल होता है, दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये जो चेंज है ना वो सिक्वेंशियल होता है, जैसे हमने अभी देखा ना सिक्वेंशियल कि ग्रासेस से हर्ब्स, फिर श्रब्स, फिर ट्रीज होते है ना, तो ये सिक्वेंशियल है और एनवायरमेंटली रेगुलेटेड होते हैं। मतलब इस पे एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आएंगे उसका असर होगा। ठीक, तो इसके लिए हम जो भी इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो प्रोसेसेस है उनके सिक्वेंशियल स्टेप्स अब हम देखेंगे। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन्वॉल्व सम सिक्वेंशियल स्टेप्स। तो ये जो सिक्वेंशियल स्टेप्स है ये कौन कौन से स्टेप्स है, इसमें आते हैं नूडेशन, इन्वेंशन, इसेसिस, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन, को एक्शन, रिएक्शन और स्टेबिलाइजेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे नूडेशन का मतलब क्या होता है। तो नूडेशन का मतलब होता है कि सक्सेशन बिगिंस विद डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया। अभी हमने देखा कि एक बेयर लैंड पे ये सक्सेशन की शुरुआत होती है, तो बिगिनिंग मतलब नूडेशन, सक्सेशन की बिगिनिंग कहाँ पे, बेयर एरिया पे। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई। उसके बाद में इन्वेशन, एक तो नूडेशन मतलब बिगिनिंग हो गया है, बिगिनिंग होने के बाद में उन स्पीसीज का सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेशन, कहाँ पे, बेयर एरिया में। ठीक, देन इसेसिस, इसका मतलब होता है कि इस्टेब्लिशमेंट तो हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट के बाद में उनकी इनिशियल ग्रोथ, जो शुरुआती ग्रोथ होती है वेजिटेशन की या स्पीसीज की, उसे कहते हैं इसेसिस। ठीक है, अब ग्रोथ होना शुरू हो गया है तो अब क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, मतलब सब चीज़ें जितनी भी स्पीसीज है उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा और वो इकट्ठा एक जगह पे दिखाई देंगे। तो एग्रीगेशन इज़ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज विच हैज़ बिकम एस्टेब्लिश इन द एरिया, मतलब जिस एरिया में वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं अब उसका पॉपुलेशन बढ़ना, मतलब एग्रीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। एक बार अगर इनिशियल स्पीसीज होती है वो एस्टेब्लिश हो जाए तो उनमें कॉम्पिटिशन होना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे वंस द फ्यू इनिशियल स्पीसीज बिकम्स एस्टेब्लिश द इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अमंग द स्पीसीज स्टार्ट्स, तो उनमें कॉम्पिटिशन होना शुरू हो जाएगा, मतलब सेम स्पीसीज में कॉम्पिटिशन या अलग अलग स्पीसीज में कॉम्पिटिशन, इंट्रा स्पेसिफिक यानी सेम स्पीसीज में कॉम्पिटिशन होना और इंटर यानी जो दो अलग अलग स्पीसीज है उनमें कॉम्पिटिशन होना। तो ये सब कॉम्पिटिशन किस लिए होगा, कि आगे जीने के लिए जो भी चीज़ें लगती उसके लिए कॉम्पिटिशन होता है। फॉर जैसे अगर प्लांट्स के बारे में अगर हम लोगों ने विचार किया
तो प्लांट्स वाटर के लिए, सनलाइट के लिए कंपटीशन करते हैं, है ना? तो ये कंपटीशन उस टाइप से होता है। देन उसके बाद को एक्शन। को एक्शन मीन्स इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज अफेक्ट ईच अदर्स लाइफ इन वेरियस वेज। मतलब बहुत सारी स्पीसीज होती है जो एक दूसरे के को अफेक्ट करती है, एक दूसरे के लाइफ को अफेक्ट करती है अलग अलग वेज में, ठीक है ना? तो ऐसे इंडिविजुअल स्पीसीज जो व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअल स्पीसीज यानी सिंगल स्पीसीज, ठीक है? सिंगल स्पीसीज अफेक्ट ईच अदर्स लाइफ, एक दूसरे की लाइफ को ये अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कंपटीशन और कोएक्शन है, दिस रिजल्ट्स सर्वाइवल ऑफ द फिट, मतलब जो फिट है वो जिंदा रहेंगे, एंड एलिमिनेशन ऑफ अनफिट, और जो अनफिट है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये दोनों की वजह से ये रिजल्ट मिलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिट और एलिमिनेशन ऑफ अनफिट, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, विच इज़ कॉल्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो प्रभाव पड़ता है उस एरिया में, तो एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं, जैसे चेंजेस इन सॉइल, वाटर टेम्परेचर, लाइट कंडीशन। तो ये रिएक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? देन उसके बाद में होता है स्टेबलाइजेशन, मतलब अब ये जो कम्युनिटी है वो स्टेबल होंगी, स्थिर हो जाएगी। तो स्टेबलाइजेशन इज़ द मैकेनिज्म बाय विच कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी गेट्स एस्टेब्लिश। मतलब अब लास्ट स्टेज जो है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, सॉरी कॉम्प्लेक्स क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है ना वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेबलाइजेशन, मतलब कम्युनिटी का स्थिर होना। तो ऐसी कम्युनिटी जो होती है वो मैच्योर होती है, स्टेबल होती है, और हम लोग बोल सकते कि सस्टेनेबल होती है, जो लाइफ लॉन्ग टिक सकती है। ऐसी ये फाइनल स्टेज है सक्सेशन की, कि जहाँ पे अब कोई भी चेंज नहीं होगा वो स्टेबल हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेबलाइजेशन। तो समझ में आ गया, ठीक है? तो ये कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स हमने देखे जो सक्सेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? ड्यूरिंग सक्सेशन, सक्सेशन के दौरान क्या होता है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं, सम स्पीसीज कॉलोनाइज करना, यानी क्या, कॉलोनी तैयार करना, कॉलोनी बनाना, ठीक है? ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस। ठीक है, जब सक्सेशन के दौरान कुछ स्पीसीज है ना कॉलोनी बना लेती है उस एरिया में, और एक साथ रहने की वजह से उनके उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? और इसके उल्टा क्या होता है कि पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज डिक्लाइन एंड डिसअपियर। मतलब एक स्पीसीज ऐसी है कि जिसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, तो उसी टाइम अदर स्पीसीज ऐसी होती है कि उसका क्षय होना शुरू हो जाता है, मतलब उसका पतन होना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे
नष्ट होने लग जाती है और आखिर में लुप्त हो जाती है। तो ऐसा भी होता है सक्सेशन के दौरान, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा है कि जो कंपटीशन और कोएक्शन, ये दो चीज़ें ऐसी है कि जिसके वजह से क्या रिजल्ट मिलता है कि जो फिट है, मतलब ये फिट हो गया है ना, जिन्होंने कॉलोनाइज करी एरिया को, वो जो फिट है वो बच गया, उनका पॉपुलेशन बढ़ गया, और जो अनफिट है वो डिक्लाइन हो गया, आखिर में डिसअपियर हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। देन इसके बाद में हम देखेंगे कि सीयर मतलब क्या होता है, व्हाट इज सीयर। तो इट इज़ द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी, दैट सक्सेसिवली चेंज इन गिवन एरिया कॉल्ड सीयर और सीयर्स, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, जो कम्युनिटी बनती है बिकॉज ऑफ सक्सेशन है ना, तो उनके जो एंटायर सीक्वेंस होते हैं ना, वो एरिया के अनुसार सक्सेसिवली चेंज होते हैं, उसे बोलते हैं सीयर, ठीक है ना। तो सीयर का मतलब समझ में आ गया ना आपको, सीयर मतलब द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन गिवन एरिया इज कॉल्ड सीयर और सीयर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सीरियल कम्युनिटी मतलब क्या, ठीक है। तो सीरियल कम्युनिटी का मीनिंग होता है द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सीरियल कम्युनिटीज, ठीक है। तो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एक सिंगल प्लांट होगा या सिंगल एनिमल होगा, है ना, सिंगल। ट्रांजिशनल का मीनिंग होता है चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक सिंगल प्लांट का, सिंगल प्लांट में चेंज होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे ग्रासेस से हर्ब्स बने थे, है ना, तो उस कम्युनिटी को हम बोलेंगे सीरियल कम्युनिटी। समझ में आ गया। तो ये जो सीरियल कम्युनिटी है ना, थी सीरियल कम्युनिटी इज एन इंटरमीडिएट स्टेज, स्टेज फाउंड इन इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में ये बीच वाली स्टेज समझी जाती है सीरियल कम्युनिटी की, जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल प्लांट और एनिमल का ट्रांजिशन होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो चेंज होते हैं तो उसे बोलते हैं सीरियल कम्युनिटीज। ध्यान में आ गया, ठीक है। अभी सीरियल स्टेज में क्या होता है, तो देर इज चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। डाइवर्सिटी मतलब
विविधता बोलेंगे हम, विविधता, ठीक है। स्पीसीज की विविधता में चेंज आता है जो इंक्रीज दैट इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिजम्स। उसके वजह से क्या होता है कि स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स के नंबर इंक्रीज होते हैं और उनका टोटल बायोमास भी इंक्रीज होता है। टोटल बायोमास मतलब क्या? बायोमास मतलब वस्तुमान बोलेंगे हम उसे, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायोमास, ठीक है ना। मतलब सीरियल स्टेज में विविधता आती है स्पीसीज में, जो कि स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स के नंबर इंक्रीज करती है, साथ ही उनका बायोमास भी इंक्रीज करती है। ये होता है सीरियल स्टेज में, ठीक है। द प्रेजेंट डे कम्युनिटी मतलब आज जो कम्युनिटी हम देख रहे हैं, प्रेजेंट डे कम्युनिटी इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ सक्सेशन। ये जो कम्युनिटी आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, ये किसके वजह से? सक्सेशन के वजह से है, विच हैज़ ऑकर्ड, विच हैज़ ऑकर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब ये बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सिंस लाइफ, जब से लाइफ की शुरुआत हुई है, सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ, ठीक है। मतलब आज हम जो प्रेजेंट डे कम्युनिटी देखते हैं, ये सक्सेशन की वजह से है, और इसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए कि जब से अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई है, तब से सक्सेशन की शुरुआत हो गई थी, और आज हम जो कम्युनिटी देखते हैं वो सक्सेशन की वजह से है, ठीक है ना। सो सक्सेशन का मतलब क्या होगा फिर? तो सक्सेशन इज अ प्रोसेस वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर प्रेजेंट। मतलब सक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है बिफोर, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं लाइक न्यूली फॉर्म वोल्केनिक आइलैंड, मतलब अभी अभी तैयार हुआ जो वोल्केनिक आइलैंड होता है, यहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म, लाइफ नहीं होती है, और यहाँ पे जो सक्सेशन की शुरुआत होती है, दिस इज कॉल्ड कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, और इसे बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, कि जहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं हुई है, बेयर लैंड है, जैसे कि वोल्केनिक आइलैंड, मतलब वहाँ पे सॉइल नहीं है, तो सक्सेशन की शुरुआत जो हो गई है वहाँ पे, उसे बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। समझ में आ गया कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? तो प्राइमरी सक्सेशन के अदर एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, अदर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जांपल होंगे? जैसे कि न्यूली कूल्ड लावा, मतलब वोल्केनिक इरप्शन के बाद में जो लावा निकलता है वो कूल हो जाता है, तो वहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं होती है, जैसे न्यूली कूल लावा है, रॉक्स है, या फिर न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड है, या कोई रिजर्वॉयर है। तो ये है प्राइमरी सक्सेशन के एग्जांपल्स, ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी स्लो। नई बायोटिक कम्युनिटी एस्टेब्लिश होने के लिए, एस्टेब्लिश ये बहुत धीरे धीरे होती है।
बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी देयर मस्ट बी सॉइल। तो बायोटिक कम्युनिटी इस्टेब्लिश होने के लिए सॉइल बहुत ज़रूरी है। इस सॉइल को प्रोड्यूस होने के लिए, मतलब फर्टाइल सॉइल अगर चाहिए, टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल, एक तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंड ऑन क्लाइमेट, ठीक है, ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस, इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस, इट टेक्स सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स एंड देन प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल ऑन बेयर रॉक, मतलब जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, ऐसे बेयर रॉक पे फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस होने के लिए क्लाइमेट पे डिपेंड होना पड़ता है, नेचुरल प्रोसेस होनी ज़रूरी है, और इसे होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, सेवरल ईयर्स टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल ऑन बेयर रॉक, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि बेयर लैंड होती है, और बेयर लैंड पे पहले सॉइल फॉर्म होता है और बाद में बायोटिक कम्युनिटी एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है, इसे बहुत टाइम लगता है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है ये हमें देखना है। सेकेंडरी सक्सेशन की शुरुआत होती है, कब होती है, जब नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है किस वजह से, तो जैसे कि फार्म लैंड्स बनाना, मतलब खेती के लिए जो लैंड बनानी होती है उसके वजह से। दूसरा, अगर फॉरेस्ट बर्न हो जाए, या फिर फॉरेस्ट बर्न और कट, मतलब जंगल के पेड़ पौधे सब तोड़ डालना, या फिर जंगल जल जाना, इसके वजह से नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी डिस्ट्रॉय होती है। तीसरा, हम बोल सकते हैं कि लैंड्स हैव बीन फ्लडेड, मतलब फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से लैंड बिल्कुल ख़राब हो जाना, तो इस तरह से नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट होती है, सिंस सम सॉइल इज प्रेजेंट देयर, सॉइल और सेडिमेंट बोल सकते हैं हम लोग, वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट। बट जैसे हमने देखा था कि बेयर रॉक पे तो सॉइल भी नहीं होती है, पहले सॉइल बनना होता है, उसके बाद वहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी एस्टेब्लिश होती है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, बायोटिक कम्युनिटी बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन वहाँ पे थोड़े प्रमाण में सॉइल प्रेजेंट होती है। सो सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन, मतलब प्राइमरी सक्सेशन में जितना देर लगता है उससे सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होती है। सो सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन, व्हाई, बिकॉज ऑफ सम सॉइल इज प्रेजेंट देयर। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल भी बनना
होता है। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि सक्सेशन इज़ फास्टर, मतलब सेकेंडरी सक्सेशन इज़ फास्टर दैन प्राइमरी सक्सेशन। तो ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ये कहाँ पे फोकस करता है? इट इज़ यूजुअली फोकसेस ऑन चेंज इन वेजिटेशन, है ना। सेकेंडरी सक्सेशन में वेजिटेशन में चेंज होता है। जो भी वेजिटेशनल चेंज होता है दैट अफेक्ट्स फूड एंड शेल्टर ऑफ एनिमल, मतलब ये सब चेंज एनिमल के फूड और शेल्टर पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ता है नंबर्स एंड टाइप ऑफ एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स आल्सो चेंज। जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ेगा ना तो एनिमल्स के नंबर्स, उनके टाइप्स और डिकम्पोजर्स जो भी होंगे, डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, लाइक फंगस, ये भी चेंज होने लग जाते हैं। मतलब सब डिपेंड करता है वेजिटेशनल चेंज पे। ये अगर चेंज होता है फूड और शेल्टर चेंज होगा, फूड और शेल्टर चेंज होगा तो एनिमल्स के नंबर्स, टाइप्स और उनके साथ रहने वाले डिकम्पोजर्स भी चेंज होंगे। एट एनी टाइम, मतलब कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब सक्सेशन ये प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, ठीक है, प्राइमरी हो या सेकेंडरी सक्सेशन हो, कोई भी हो सकता है ये दोनों में से। अगर इन सक्सेशन में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाए, तो ये डिस्टर्बेंसेस एक तो नेचुरल हो सकती है या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड हो सकती है, ठीक है। अब ये डिस्टर्बेंसेस कौन सी होगी, लाइक फायर, मतलब जंगल पूरी तरह से जल जाना, या फिर डिफॉरेस्टेशन हो जाना, जंगल पूरी तरह से तहस नहस हो जाना, ये है डिस्टर्बेंसेस। ये डिस्टर्बेंसेस प्राइमरी सक्सेशन में भी आ सकती है, सेकेंडरी सक्सेशन में भी आ सकती है। तो अगर इस तरह से ये हो जाए तो क्या होगा कि जो पर्टिकुलर सीरियल स्टेज होती है ना वो अर्लियर प्रिसीडिंग स्टेज में आ जाती है। मीन्स दिस सक्सेशन convert into previous stage, ठीक है, previous stage में आ जाएगी। क्योंकि primary succession में क्या होता है कि जो serial stage होती है, जो intermediate stage है, या secondary succession में, दोनों में भी अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाता है तो पूरी तरह से ये नष्ट हो जाएगा ना, और नष्ट हो गया तो वो प्रीवियस स्टेज में आ जाएगा, अर्लियर स्टेज में आ जाएगा, या फिर प्रिसीडिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सच डिस्टर्बेंसेस क्रिएट न्यू कंडीशंस। तो ऐसे जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, है ना, सच डिस्टर्बेंसेस क्रिएट न्यू कंडीशंस। यहाँ पे अब नई कंडीशंस तैयार हो जाएंगी, न्यू कंडीशंस दैट एनकरेज सम स्पीसीज। और ये कंडीशन क्या करेगी, इट एनकरेज सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज को वह एनकरेज करेगी टू सर्वाइव, ठीक है, या फिर डिस्करेज स्पीसीज और इलिमिनेट अदर्स स्पीसीज। मतलब ये जो डिस्टर्बेंसेस है
ये दो कंडीशन तैयार करेंगी, एक तो कुछ स्पीसीज को एनकरेज करेंगी टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, या फिर कुछ स्पीसीज को वो डिस्करेज करेगी और टू एलिमिनेट फ्रॉम द बायोटिक कम्युनिटी, है ना। मतलब जो फिट है वो सर्वाइव होगा, जो अनफिट है वो एलिमिनेट होगा, ठीक है। जो फिट होगा वो सर्वाइव होके ले नेक्स्ट सक्सेशन में एंटर करेगा, है ना। तो दैट इज़ द सक्सेशन। तो इस डायग्राम में देखिए, सेकेंडरी सक्सेशन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम आफ्टर फायर। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट में एक आग लगने के बाद, मतलब दिस द फॉरेस्ट फायर, सीवियर फॉरेस्ट फायर, तो पूरी तरह से जंगल जल गया। और क्या हो गया यहाँ पे, एक बेयर लैंड, मतलब एक सॉरी बेयर लैंड नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है, एक ऐसी लैंड तैयार हो गई है फॉरेस्ट लैंड, जहाँ पे सबसे पहले तैयार होगा सॉइल एंड हर्ब्स, ठीक है ना। देखो सॉइल और हर्ब्स तैयार हो गया, हर्ब्स के बाद में वहाँ पे तैयार होंगे श्रब्स, श्रब्स के बाद में वुडलैंड स्टेज तैयार होंगी, और लास्ट में तैयार होंगी फॉरेस्ट स्टेज विच इज़ कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब यहाँ पे फर्दर इवोल्यूशन नहीं होगा, तो दैट इज़ द सेकेंडरी सक्सेशन। समझ में आ गया कि किस तरह से सक्सेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे प्लांट सक्सेशन।